सो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है लक्की और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो है यूट्यूब पर जो है क्लिक बेट थंबनेल्स होते हैं उसके बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है देने वाला हूँ, जिससे अगर आप जो है अगर आपने भी अपने चैनल पर जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल जो है बनाए हैं तो उसका आपके यूट्यूब चैनल पर जो है पूरा असर जो है पड़ सकता है। तो मैं आज आपको यूट्यूब चैनल पर जो है कैसे असर पड़ सकता है उस बारे में आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए और जाकर हमें फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब पर जो है क्लिक बेट करना जो है यूट्यूब एल्गोरिथम के जो है खिलाफ माना जाता है। अगर आप अपने वीडियोस में जो है यूट्यूब जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल का जो यूज़ करते हो तो आपको जो है आपके यूट्यूब चैनल पर कभी भी जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है आ सकती है। तो आप आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है किसको जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल जो है वो कहते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो है इसका क्लिक बेट थंबनेल जो है जिसे कहते हैं मैं उस बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया तो आपको जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल जो है किसे कहते हैं उसके बारे में आपको जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको आपकी सारी जो है सॉल्यूशन जो है आपकी सारे प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में जो है मिलने वाले हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि क्लिक बेट थंबनेल कहते किसे है। तो क्लिक बेट थंबनेल जो है ऐसे थंबनेलों को कहा जाता है। आपने जो है यूट्यूब पर कई ऐसे थंबनेल देखे होंगे जो बिल्कुल फेक थंबनेल होते हैं कि आपको जो उसके बारे में पता ही होता है। कुछ ऐसे थंबनेल होते हैं जिसमें हाथ में जो फटाके लेकर जलाया जाता है या फिर कुछ ऐसे सब थंबनेल होते हैं जिसमें जो है अपने फोटो लगा देते हैं लोग और डायनासोर या ऐसे सब जो है फेक जो है जानवर होते हैं जो अभी जो है इस धरती पर जो है मौजूद ही नहीं। ऐसे जब जो है जानवर या एनिमल होते हैं इसकी फोटो रख देते हैं और जो अपनी थंबनेल ऐसे बनाते हैं जो हमें पता ही है कि जो फेक थंबनेल है या तो फिर ऐसे पोर्नोग्राफिक जो है थंबनेल बनाते हैं या फिर ऐसे सब यूट्यूब एल्गोरिदम के जो है खिलाफ वो ऐसी थंबनेल बनाते हैं तो उसको जो है क्लिक बेट वाली थंबनेल बोला जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी आपने थंबनेल देखी होगी जो बिल्कुल फेक होती है जिसमें सब ऐसा नाग ऐसा स्नेक जो है दिखाया जाता है जिसके पांच मोटे हो या फिर चार मोटे हो जो चार या जो है मुंह हो तो ऐसे जब जो है थंबनेल होते हैं उसको जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल बोला जाता है। अगर आपने भी अपने वीडियोस पर ऐसे जो फेक थंबनेल लगाए हो तो आप जल्दी से जाइए उसको जो है चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो आपके जो है चैनल पर जो है कभी भी जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो आ सकती है आप में। लेकिन आप कहोगे कि नहीं भाई ऐसे फेक थंबनेल होते हैं उस पर व्यूज़ तो काफ़ी होती है, आप आए उस पर जो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आपने तो वो देखा ही होगा कि टेढ़ी उंगली से घी ज़्यादा जल्दी निकलता है, यानी कि अगर आप गलत रास्ता अपनाओगे तो आपको जो है उसका आपको उसका मुनाफा जो है ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप जो गलत रास्ता अपनाओगे तो कभी ना कभी तो जो है आपको उसकी जो है भरपाई करनी होगी। यानी आप भी अगर जो है क्लिक बेट वाले थंबनेल बनाओगे तो आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ तो जरूर आ जाएंगे लेकिन आपको कभी ना कभी तो आपके चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका चैनल जो है वो खतरे में आ सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे थंबनेल ना रखिए, कुछ व्यूज़ के जो चक्कर में आप अपने चैनल का जो है खतरा मत मोल लीजिए जिससे कि आपके चैनल पर आपकी बंद होने के भी चांस हो सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है एट्रैक्टिव क्लिकेबल थंबनेल जो है बनाओ। अगर आपको जो क्लिकेबल थंबनेल क्या होता है उसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको जो है पूरा वीडियो बना के दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।